नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर की सेंटर कोतवाली थाना क्षेत्र की पालिका प्लाजा से एक एक्टिव सवार की गाड़ी से करीब 4 लाख रुपए चोरी के मामले सामने आए हैं, जिसकी रिपोर्ट फरियादी द्वारा सेंटर कोतवाली थाने में की गई है। वहीं पूरी चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल चोरी का पूरा मामला सेंटर कोतवाली थाना क्षेत्र के पालिका प्लाजा का है। स्क्रैप व्यापारी से चोर गैंग ने 4 लाख रुपए से भरा बैग एक्टिवा की डिक्की में से निकाल कर फरार हो गए। दरअसल फरियादी प्रवीण बरमुता स्क्रैप का कारोबार करता है। पिछले 2 दिन पहले फरियादी प्रवीण ने फिल्म कॉलोनी से अपने एक साथी से पैसा लेकर पालिका प्लाजा जा रहा था, जहां पर एक गाड़ी पर एक महिला और पुरुष ने फरियादी प्रवीण से गाड़ी टकराने की बात पर विवाद कर एक्टिवा की चाबी अपने साथ ले गए। वहीं थोड़ी देर बाद फरियादी प्रवीण के पास 2 लोग आकर बात करने लगते हैं, जिसके बाद तीसरा आदमी गाड़ी की डिग्गी में रखा 4 लाख रुपए का बैग लेकर फरार हो गया। वहीं पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने सेंटर कोतवाली थाने में दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। देखिए, एक्टिवा में जो 4 लाख रुपए चोरी का मामला है, इसका घटनाक्रम ये है कि 5 तारीख की बात है। 5 तारीख को करीब 8:15 पे ये जो माल है रीगल के 21 कौन सा है उसके पास में फिल्म कॉलोनी, हाँ सिटी कॉलोनी है, वहाँ पे इसने अपने एक साथी से पैसे लिए करीब 1,16,000, और पूछताछ की तो उसने बताया कि साहब मैं जो फरियादी है प्रवीण बरमुटा कि मैं स्क्रैप का बिजनेस करता हूँ और इसमें इनको स्क्रैप सप्लाई की थी तो उनके पैसे लिए हैं और अन्य लोगों को पैसे देने के लिए मैं करीब 2.5 लाख रुपए घर से लाया था और शेष रकम मेरी जेब में थी, कुल मिला के 4 लाख रुपए था। तो पैसे लेके एक्टिवा की डिग्गी में रखे उसने और यहाँ अपने एमओजी लाइन के लिए चल लिया। जैसे ही ये चौराहे पे आता है पालिका प्लाजा के पहले जो टर्निंग है, तो एक बाइक उसमें एक पुरुष आगे चला रहा था और पीछे एक महिला बैठी थी। चलते चलते पुरुष ने उसको कंधे पे हाथ से धक्का दें या थपथपाया, कुछ भी कह सकते हैं, और उस पर आरोप लगाया कि कैसे चल रहे हो और हम अभी गिर जाते, गिरते गिरते बच गए, लगाओ बाएं साइड, मतलब बाएं साइड क्या, लगाओ किनारे पे। तो वो पालिका प्लाजा के सामने जो है अपनी गाड़ी लगाता है, जैसे लगाता है तो पीछे जो महिला बैठी थी वो उससे झगड़ा करने लगती है इसी बात को लेके, और झगड़ा करते करते उसकी बाइक की चाबी खींच लेती है और वो झगड़े का रुख अडॉप्ट करते करते वो अपनी उस बाइक में बैठती है और उस आदमी के साथ चली जाती है। जब इसकी बाइक की चाबी चली गई तो इसने अपने लड़के को फ़ोन लगाया कि भाई दूसरी चाबी फला फला जगह रखी है, लेके आ जाओ। करीब 20-25 मिनट इस तरह ये अपना बात करके और समय पास करता रहा कि दूसरी चाबी आ जाए। उसी दरमियान 2 व्यक्ति और पालिका प्लाजा के अंदर एक स्कूटी टाइप की थी उससे आते हैं। स्कूटी वाला तो स्कूटी में बैठा है, पीछे जो बैठा था वो उतरता है और उसको क्यों क्या हो गया तो बात करते करते पास में आता है तो उसको बातों में बहलाता है। वो जैसे इसने बातों में बहलाया, एक तीसरे आदमी ने इसकी डिक्की से ये सामान निकाल कर और फुचक कर। सर क्या लगता है कि गिरोह है या रेकी कर? ये देखिए देखिए आपको बताएं, सीधा सीधा है कि 2 लोग एक्सीडेंट और इसका बहाना बना के उसकी चाबी लेके चले गए, इसके बाद 2 लोग बातों में बहला रहे हैं तो उससे बात कर रहा है, उसी दरमियान एक डिग्गी खोल के जा रहा है, सीधी करीब 4-5 लोग हैं ये एक के सदस्य हैं। हाँ फुटेज मिले हैं, फुटेज के आधार पर ही तो ये हमने देख के बताया, जो हम आपको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं जो फुटेज मिले हैं उस पर ये सब क्लियर कट। वो आके खड़े होते उसको बातों में बहलाते हुए, फिर एक आदमी पैदल आ रहा है,
और आगे चल के एक बाइक आती है उसके पीछे बैठ के वो चला जाता है। अब अपन किस तरीके से जांच आगे बढ़ाएंगे? देखिए उसमें क्या है, मेन तो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, दूसरा गाड़ी का जो नंबर है वो सब फर्जी हैं। एक तो क्लियर कट जैसे कुछ नंबर आ रहा है लेकिन उसके आगे की सीरीज नहीं आ रही है। अभी जो डाल रहे हैं उसमें कहीं मारुति का नंबर आ रहा है ना, लेकिन अभी सीरीज़ का इसमें हम काम कर रहे हैं। हो सकता है कि बाइक का इस नंबर की मिल जाए, और हम ये मान के चलते हैं कि जब इस टाइप की घटना ये कर रहे हैं और किसी दूसरे गाड़ियों की वो आ रही है तो वो नंबर भी ऐसे ही होना चाहिए। फिर भी अपन देख रहे हैं कि शायद कोई क्लू मिल जाए। वो मेन हमारे पास है कि फुटेज की वो कर रहे हैं, किसी तरह चेहरा कोई अभी और आगे कोई फुटेज मिले। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि किसी ने देखा, तो फिल्म सिटी वो ऐसी जगह है कि जहाँ थोड़ी अंधेरा भी रहता है, तो वहाँ कौन है? या तो किसी को पता है कि इसके पास पैसे हैं, अब इस पर काम कर रहे हैं, अभी तक तो ये नहीं सामने आया है, लेकिन देखिए भविष्य में क्या होता है। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और